पहले भी मैंने बालू का काम किया घाट पे ही, और आज मैंने गांधी घाट पे मैंने सैंड आर्ट किया हूँ। और मेहनत करते हुए और जैसे जैसे कला की कदर हमेशा होनी चाहिए, कहा जाता है कि कला जो है कलाकार की कदर हमेशा होनी चाहिए। आर्ट हमारा पैशन है और इसको प्रोफेशन में बदलने का प्रयास है। लोगों के बीच में देशवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हौसला को मत तोड़िए, बस जरूर मतदान कीजिए, तो आपको धूप भी कुछ नहीं करें, क्योंकि ये महापर्व है, एक तरह से हमारे देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए एक महापर्व है। काम को नहीं करूं तो मेरी कला बेकार जाएगी और लोग अवेयरनेस नहीं हो पाएंगे। देखिए अभी हम मौजूद हैं पटना साहिब में, और पटना साहिब का ये जो है NIT इलाका है, इसको गांधी घाट भी कहते हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखी जिस पे लिखा हुआ है अपने मत का करें योगदान तभी बनेगा देश महान। यानी कि 1 जून को जो है वोटिंग होनी है पटना में, पाटलिपुत्र और पटना साहिब में, और यहाँ पे जो है अपील की जा रही है इस तो क्या बोल सकते हैं इसको, मिट्टी, इसको क्या कहा जाता है, शेन आर्ट है और बालू का आर्ट है, इस पर इसको करके बताया जा रहा है कि प्लीज़ अपने योगदान, मतदान का योगदान करें, देश को आगे ले जाने में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान करें। और ये जो बनाए हैं ये हमारे साथ ही अभी हैं, इनसे पूछेंगे कि आइए सर थोड़ा सा आगे आ जाइए, नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम रुपेश कुमार है और मैं पटना साहिब के रहने वाला हूँ। कैसे ये आइडिया आया यहाँ पे बनाने का? लगातार कहे तो अंतिम चरण चला है मतदान का, तो मैंने सोचा कि अब अंतिम चरण में भी कई सारे जगहों पे मैंने देखा कि वोट बहुत सारे लोग नहीं दे पाए, तो मुझे प्रतिशत भी गिरते जा रही है। हाँ बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अवेयरनेस ग्रुप में काम को करना चाहिए, इसलिए मैं लगातार 1-2 दिन पहले भी मैंने बालू का काम किया घाट पे ही, और आज मैंने गांधी घाट पे मैंने साइन आर्ट किया हूँ। साइन आर्ट का मतलब होता है कि बहुत हार्ड होता है कि लोग कर कर नहीं पाते हैं, तो बार बार टूट भी जाता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बार बार टूटने का मतलब है कि हौसला टूटना, और मुझे लगता है कि लोगों के बीच में देशवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हौसला को मत तोड़िए, बस जरूर मतदान कीजिए, ताकि तभी हम देश का निर्माण भी कर सकते हैं और अच्छे एक नेता को ला सकते हैं। अभी जो है गर्मी, बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग वोटिंग के लिए निकल नहीं रहे, तो उसको लेकर के क्या कहिएगा? मैं तो यही आग्रह करूंगा उनसे कि खाना पानी पीकर अगर घर से निकलेंगे, एक दुपट्टा ले लेंगे या छतरी ले लेंगे, तो आपको धूप भी कुछ नहीं करें, क्योंकि ये महापर्व है, एक तरह से हमारे देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए एक महापर्व है, जो लगातार कहेंगे तो 5 साल के बाद ही आते हैं। ये 5 साल का एक तरह से इंतज़ार करते हैं हम लोग कि एक सरकार को, एक नई सरकार को लाने के लिए, और कई सारे सरकार से हम आशाएँ लेकर बैठ जाते हैं कि हम कई सारे यूनिवर्सिटी हो, कई सारे शिकायतें बहुत रहती हैं हाँ, सरकार से, लेकिन वोटिंग नहीं कर पाते हैं। वोटिंग को लेकर के पूछेंगे तो कहेंगे नहीं हमको वही मतलब है, जाने जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमको बहुत लोग से जब हम पूछते हैं कि आपने वोटिंग कीजिएगा तो नहीं, जाने जो जाने कर रहे हैं हमको नहीं मतलब है, इसको लेकर के क्या कहें, कहीं ना कहीं ये निराशा वाली बात। हाँ कहीं ना कहीं देखिए हर लोग को खुश नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो मैं तो यही करूँगा, हाथ जोड़ के अपील करूँगा उनसे, एक छोटा सा बच्चे या बड़े भाई समझकर या छोटे भाई समझकर जो भी है, तो मैं सारी देशवासी से निवेदन हाथ जोड़ के करूँगा कि आपका वोट हम लोगों का भविष्य है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वोट करें तो ही हमारा भविष्य है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए भी आप भविष्य है, यानी आप अपने वोट को देंगे तभी हमारा भविष्य बना रहेगा। आप कह रहे थे कि बहुत मेहनत वाला काम है, तो कभी नहीं लगा कि क्या ज़रूरत है, छोड़ देते हैं, क्यों करेंगे लोग? हाँ, वैसे भी नहीं मानते। हाँ बात सही है कि लोग नहीं मानते, मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग नहीं मानते, पर मैं अगर मान जाऊँ, अपने आप को मना लूँ कि मैं ये भीषण गर्मी में काम को नहीं करूँ तो मेरी कला बेकार जाएगी और लोग अवेयरनेस नहीं हो पाएंगे, इसलिए चाहे मुझे पसीना बहाना पड़े और समय आएगा तो कला के क्षेत्र में खून भी बहाऊंगा, क्योंकि ये देश की बात है। अगर अपना घर का बात होता, अपने आप को बात होता तो मैं एडजस्ट कर लेता, लेकिन ये देश की बात है और देश में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, देश के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करें। कितने घंटे लगे इसको बनाने? इसमें कम से कम 3-4 घंटे लग गए। 4 घंटे लगे? हाँ 4 घंटे, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि सुबह से आप? हाँ सुबह से आए हैं। कितने लोग, आपने अकेले बनाया है कि और भी कुछ लोग बनाए? हमारे साथ बच्चे भी थे, किलकारी के बच्चे थे, 3 बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे? सुमित है, अभिनयन है, अभिश्यामल है। आ जाइए। तो बनाने में बहुत मेहनत लगा, कहीं नहीं लगा कि छोड़ दे इसको? नहीं नहीं, पैशन है, पैशन को कैसे छोड़ सकता है कोई? पैशन है जी, आर्ट हमारा पैशन है और इसको प्रोफेशन में बदलने का प्रयास है, तो कला के क्षेत्र में काम करते हैं। मजे लेकर के बनाए या एकदम चिड़ आ रहा था कि बार बार मिट्टी गिर रही थी? चिड़ से नहीं होता, नहीं एकदम नहीं, चिड़ लोग बोलता भी है क्या बालू? अच्छा, तो आपकी उम्र बहुत कम है, वोटिंग को लेकर के क्या जानते हैं आप? वोटिंग को लेके बात ऐसा है
कि मतदान करना सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। नहीं करेंगे तो हमारा देश खतरे में, आप खतरे में, सब कुछ खतरे में। हाँ, सरकार को गाली तो सब लोग दे रहा है लेकिन वोट कोई नहीं दे रहा। तो मैं अपील करना चाहूँगा सब लोगों से भी कि वोट जरूर दें, चाहे कितनी भी गर्मी। वोटिंग देंगे तभी शिकायत करने का। जी जी जी, आपका हक तभी है जब आप मतदान करते हैं और आप उसमें भागीदारी होते हैं। सुमित नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुमित, किलकारी से। जी, कितने साल से कर रहे हैं सुमित? अभी तो 4-5 साल हो गया मेरे को। 4-5 साल जी। आपका क्या नाम है? अभिनयन। अभिनयन, अभिनयन ये करने में मजा आया था? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आगे भी करने का मौका मिलेगा तो कीजिएगा। जरूर करेंगे। अभी कहीं पर कोई बुलाए अपनी तरफ से तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और क्या नाम हुआ सर आपका? क्या हुआ? अभिश्यामल। अभिश्यामल, अभिश्यामल को कितना अच्छा लगता है ये करना? बहुत। वोटिंग को लेकर के क्या जानते हैं आप? किस क्लास में है अभी? नाइन्थ। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, और मेहनत करते हुए, और जैसे जैसे कला की कद्र हमेशा होनी चाहिए, कहा जाता है कि कला जो है कलाकार की कद्र हमेशा होनी चाहिए, तो ये लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वोटिंग की अपील की जा रही है, कहा जा रहा है कि वोट ज़रूर कीजिए। बता दें आपको कि आखिरी चरण जो 7वें चरण का चुनाव है वो 1 जून को होना है। और बात करें पटना साहिब की, तो यहाँ से NDA के प्रत्याशी है रविशंकर कुमार, और जो इंडिया गठबंधन से है इस बार नए चेहरे हैं अंशुल अभिजीत, उनको मौका मिला है, मीरा कुमार के पुत्र है। तो देखना दिलचस्प होगा कि पटना साहिब का रुख जो है इस बार किस तरफ होगा। बाकी आपको ये मेहनत कैसी लगी, आपको हमारा मेहनत कैसा लगा, इस बच्चों का मेहनत कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको भी ऐसा कुछ करवाना हो तो आप हमारे कमेंट पर करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।